अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जूनी किचन में सिंगापुरियन राइस। जी बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है। चलिए जी हम आज अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप मेयोनीज़ और मैं लूँगी जी टमाटो केचप है ये मेरे पास, ये मैं लूँगी 4 टेबलस्पून। इसके पास मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, ये लूँगी जी मैं 2 टेबलस्पून। और मैं इसके बाद फिर मेरे पास है वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक हम सॉस तैयार कर लेंगे। और ये सॉस आप यकीन करें सिंगापुरियन राइस के साथ बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट लेकर आती है। आप इसको मस्ट बनाएं और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सिंगापुरियन राइस के साथ इसको ट्राई करें, आप किसी भी फ्राई चीज़ के साथ, किसी भी और अच्छी रेसिपी के साथ आप एज अ सॉस इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक मैं बॉटल में कन्वर्ट कर दूँगी, एक दूसरी बॉटल में डाल दूँगी। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने स्पैगेटी बॉईल करनी, जिसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। पानी हमारा बॉईल हो रहा है। स्पैगेटी लिए जी मैंने 250 ग्राम, एक पूरा पैकेट था स्पैगेटी का, जिसमें से हाफ मैं यूज़ करी और हाफ मैंने रख दिया है। जी अब बारी आती है नमक की, नमक मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, ऑयल ऐड करूँगी जी मैं 2 टेबलस्पून, क्योंकि इस तरह से ये स्पैगेटी आपस में चिपकती नहीं है। 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी और उसको हम फुली कुक करेंगे, क्योंकि इसको हमने बाद में दोबारा कुक नहीं करना। तो इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और ये मैं चेक कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें से मैं सारा पानी स्ट्रेन कर दूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी, खुश्क होने के लिए रख दूँगी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमने लिया है पैन, पैन में मैंने ऐड किया है ऑयल 4 टेबलस्पून। ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि आप घबरा गए तो सिंगापुरियन राइस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऐड करने लगे जी अनियन, प्याज मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, उसको इस शेप में काट लिया, उसको हम सौते करेंगे, फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं गाजर ऐड करने लगी हूँ। गाजर मैंने 2 ली हैं दरमियाने साइज़ की और इसको इन फिंगर शेप में मैंने काट ली है। बारीक है हमारी, बहुत मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलने में टाइम लगाती हैं तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गाजर को फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने 2 बड़ी ली हैं और इनको सेम उसी शेप में काटा है जिसमें मैंने गाजर को काटा था। इनको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें से वो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छा सा हम सौते कर लेंगे। जी शिमला के बाद बारी आती है बंद गोभी की। बंद गोभी मैंने ली है जी 1 कप और उसको मैंने बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। इन सब वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करके हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद बारी आती है स्पाइसेस की। सबसे पहले नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके बाद ऐड करूँगी जी मैं सोया सॉस, ये मेरे पास है जी 1 टीस्पून। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको मैं तकरीबन इसका मैं लिड बंद कर दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि सारी वेजिटेबल्स अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। और 5 मिनट के लिए इसका लिड ऑफ करेंगे, फिर वापस आती हूँ मैं 5 मिनट के बाद। जी 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी सब्जी अच्छे से गल चुकी हैं, इनमें कोई कसर नहीं है अब। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पैगेटी, जो मैंने स्पैगेटी बॉईल की हुई थी और मैंने उनको पानी से निकाल लिया था और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब वो स्पैगेटी मेरी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी हैं, अब इनमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स में स्पैगेटी। स्पैगेटी ऐड करने के बाद बारी आती है जी काली मिर्चों की। काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं 1 टीस्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये हमारी एक तरह की एक जो स्पैगेटी पे लेयर आती है वो हमारी रेडी हो चुकी है। हमने सॉस बना लिया है, हमने स्पैगेटी वाली और वेजिटेबल्स वाली लेयर बना ली है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने ऐड किया है जी 4 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी गार्लिक लहसुन। लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर लिया है और इसको मैं करने लगी हूँ फ्राई। और इसको मैंने बारीक चॉप किया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं लिया मैंने, बारीक चॉप किया। इसको हम जस्ट फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर लूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम जस्ट फ्राई करेंगे। इसको भी लहसुन की तरह हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने जस्ट फ्राई करना है, इसको टेंडर करना है। ठीक है जी, इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन मैंने लिया है जी 500 ग्राम और इसको मैंने इस तरह फिंगर शेप में काट लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, लेकिन वो बोनलेस होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि बोनलेस का अपना एक टेस्ट है इस रेसिपी में। चिकन मैंने लिया है बोनलेस और इसको मैं फ्राई करूँगी, और इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छा सा टेंडर हो जाए। लेकिन टेंडर के लिए हमें इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसको मैं 5 मिनट के लिए इसका लिड कवर करके इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी या टेंडर करूंगी, सिर्फ जस्ट 5 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, चिकन है जल्दी गल जाएगा। 5 मिनट के इसका लिड कवर करके मैं आपके पास वापस आती हूँ जी। 5 मिनट गुजर चुके हैं और लिड ऑफ करने के बाद मैंने चेक किया कि ये चिकन जो है वो गल चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है। इसको हम ड्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं 1 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी जी गरम मसाला। गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, और स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड की हैं। नेक्स्ट आते हैं जी सिरके की तरफ। ये 1 टेबलस्पून मैंने सिरका इसमें ऐड किया है, वाइट सिरका, वाइट विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस है जी मेरे पास 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस था। और अब इसमें ऐड करने लगी हूँ जी ये चिली सॉस है मेरे पास 1 टेबलस्पून। लेमन जूस है जी, नींबू का जूस है जी मेरे पास 1 टेबलस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे और भूनेंगे ताकि जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो जाए। नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप 3 चम्मच, 3 टेबलस्पून से मैं टमाटो केचप के ऐड करूँगी क्योंकि सारा फ्लेवर टमाटो केचप का ही होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टमाटो केचप का। आप चाहें तो 3 से, मैंने 3 ऐड किया, आप 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी जी नमक। नमक मेरे पास है जी 1 टीस्पून और इसको मैं सबसे एंड में ऐड कर रही हूँ। और इसमें आप चाहें तो नमक ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब हमारी ये वाला स्टेप बिल्कुल तैयार है। चिकन ने जो ऑयल छोड़ दिया है और ये इसको मैं ऑफ कर दूंगी इसका फ्लेम, और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप मैंने लिया है एक पतीला। पतीने में मैंने पानी लिया है जी 2 लीटर पानी को मैंने उबाल लिया है और इसमें मैंने ऐड किए हैं जी चावल। चावल मैंने लिए थे जी 4 कप। 4 कप चावलों को मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भिगोया है। और अब इसमें मैंने ऐड किया है जी सॉल्ट, नमक 2 टेबलस्पून। इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल मैंने ऐड किया है जी 2 टेबलस्पून क्योंकि ये आपस में चिपके ना। जी चावलों में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सिरका, सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून। इससे हमारे चावलों में बहुत निखार आता है, निखर कर आते हैं, चावल खड़े खड़े बनते हैं। नेक्स्ट ऐड करूँगी जी मैं ज़ीरा। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है, इससे अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे उबले हुए चावलों में। नेक्स्ट मैंने इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो था वो सारा स्ट्रेन कर लिया और तकरीबन हमारे चावल कुक हैं, लेकिन मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको दम पे दूँगी, स्टीम पे दूँगी ताकि चावल हमारे फुली कुक हो जाएं, क्योंकि हमने इसके बाद इसको पकाना नहीं है। ठीक है जी, इसका लिड मैं 5 मिनट के लिए ऑफ करूँगी और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो हमारा फाइनल स्टेप, और वो हमने करनी है जी तड़के की तैयारी। तड़के की तैयारी के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल मैंने जी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ लहसुन। 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया। आप चाहे तो साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं लेना आपको। ठीक है जी, इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है।
इनको हमने लाइट गोल्डन करना है। जैसे ही लाइट गोल्डन होंगे इसमें मैं ऐड करूँगी सब्स मिर्चें, ग्रीन चिलीज 3 अदद मैंने ली हैं और उनको इस तरह मैंने स्लाइस शेप में काट लिया। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये हम तैयारी करें अभी तड़के की, जो कि हम अपने सिंगापुरियन राइस के ऊपर लगाएंगे और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और जब स्मेल आना शुरू हो जाए मिर्चों के जलने की तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। जी अब सारे स्टेप्स हो चुके हैं कंप्लीट और हमें करना है डिश आउट। चावलों को मैंने 5 मिनट दम पे दिया था, वो हमारे रेडी हो चुके हैं। एक प्लेटर मैंने लिया है और मैं अब इसमें राइस को डाल रही हूँ। कॉर्नर पे मैं राइस डाल रही हूँ, बीच में मैंने थोड़ी सी स्पेस खाली रखनी है ताकि जो मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी वो मतलब से ही सेट हो जाएँ। देखिए ये मैंने थोड़ी सी स्पेस बीच में से खाली रखी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो हमने वेजिटेबल्स और स्पैगेटी की लेयर बनाने के लिए हमने जो चीज़ें बनाई थी वो हम इसके बैक ऊपर एक उस चीज़ की क्लियर दूंगी और सारी वेजिटेबल्स के ऊपर मैं डेकोरेट करूंगी। जी अब नेक्स्ट लेयर देंगे हम चिकन की। जो चिकन हमने फ्राई किया हुआ था उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था और उसके ऊपर मैं एक लेयर दे रही हूँ जी चिकन की। चिकन के बाद मैं ऐड करूँगी जो हमने तड़के का सामान बनाया हुआ था, तड़का के लिए हमने जो चीज़ें बनाई हुई थी। नेक्स्ट मैं तड़के की सब जो वो लेयर हैं वो सारी नहीं डाल रही, कुछ कुछ डाल रही क्योंकि एक प्लेट में इतना सब कुछ नहीं आ सकता, तो मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके प्लेट में सेट कर रही हूँ और तड़के की चीज़ें मैंने ऊपर से रेड करी हूँ। जो मैंने सॉस बनाया हुआ था आपके सामने मेयोनीज़ का और कैचअप का और सॉसेज का, तो वो मैंने एक बॉटल में डाली और बॉटल की मदद से मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। आप ज़रूरी नहीं कि बॉटल में डालें और डेकोरेट करें, आप स्पून की हेल्प से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये इस तरह से मैं इसको गार्निश कर लूँगी और ये जी एक बहुत ही मज़े की हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। यकीन करें बहुत टेस्टी बने थे, आप ही घर पे बनाएं। ईद आ रही है, ईद पे बनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को खिलाएं, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझे। और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी जल्द। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।